गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज सिंपल इंटरेस्ट के अंतिम दिन पे हम पहुंच चुके हैं और आज खत्म कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट। और कल से बृहस्पतिवार कल से हम लोग शुरू कर देंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो कल है चक्रवृद्धि, परसों विश्वकर्मा पूजा है तो छुट्टी रहेगा, और फिर उसके बाद कर्मा पूजा के दिन भी हम लोग आएंगे, उस दिन भी देखते हैं कि क्या होता है। कर्मा पूजा विश्वकर्मा पूजा के ही दिन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग भी बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। तो कल हमने बहुत सारा होमवर्क दिया था, उम्मीद करते हैं कि दो क्वेश्चन उसमें भी छूट गया होगा, उसका हम बनाते हैं। कितना नंबर छूटा जी? 42 में क्या दिक्कत लगा? 42 में कोई दिक्कत लगा? 42 में क्या दिक्कत लगा बाबू? बोलता है 42 में बोला अमर जो है, अरुण जो है 20,000 रुपए अपने दो दोस्तों से उधार लेता है। 20,000 टका ही उधार लिया दो दोस्त से लिया है। एक दोस्त से ना, दो दोस्त मिलकर उधार लिया। वो पहले दोस्त को देखिए कितना चतुर निकला, उधार लेके उधार दे रहा है। समझ में आ रहा है? सॉरी बाय मिस्टेक हमारा, देखिए ध्यान। तो शुरू में ही हम लोग बुधवार भी है, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो इसका मतलब 20,000 रुपया दो दोस्त को उधार देता है। पहले दोस्त को किस रहा है? पहले दोस्त को एक्स दिया होगा तो दूसरे दोस्त को कितना दिया होगा? 20,000 माइनस एक्स दिया होगा ना, वाई ताकि कुछ नहीं मानो, दो को वाला है ना, 12,000 दे भी दिया क्या? 12,000 दिया। अच्छा, तो कितना बोला पहले दोस्त को? 12,000। तो यहाँ पे दे ही दिया, तो टेंशन ही नहीं है। पाला को अगर 12,000 दिया तो दूसरे को कितना दिया होगा? 8,000 दिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बोलता है 12,000 वो अपनी कुल राशि पर कितना चाहिए? 10% लाभ चाहिए। तो 10 पर पूरे पर चाहिए। अभी पहले इतना तो देख ले, 12,000 को किस रेट से दिया जी? 8% से दिया। क्या साल में इसको देना है? वार्षिक साधारण एक ही साल में दिया होगा। अब बटे कितना? प्लस दूसरे दोस्त को कितना दिया? 8,000 रुपया दिया, लेकिन किस रेट से बोल रहा देना है ना, यही ना। बोलता किस साधारण ब्याज दर पर देना चाहिए, तो एक्स रेट पर देगा क्या? बराबर उसको कितना का कितना लाभ उसको मिल सके? क्या परसेंट? तो 20,000 का 10% कितना होता है? 20,000 का 10% कितना? बस सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या? ये वाला सॉल्व नहीं कर पाओगे? ये वाला खत्म। 12 कितना हो गया? 96,960 इधर ना। अरे बोल दोगे तब ना मजा आएगा जी। और इधर कितना हो जाएगा? 80x बचा बराबर। इधर कितना बोला था? ये वाला खत्म 2,000 रुपया होता। क्यों बोला था ये? तो हमारा 80x कितना बचा जी? 1040। सुना रट गया। तो एक्स बराबर कितना हो गया? 104/8 कटेगा क्या? 13% क्या लगा जी? बता, कोई दिक्कत था क्या? खाली हम लोग क्या करते, सवाल को देखते नहीं, इसलिए ऐसा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं क्या? सूरत, तो चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 42 नंबर में कोई दिक्कत रहा क्या? चलो तो आगे बढ़ सकते हैं। अब कोई क्वेश्चन इधर छूटा क्या, बता जल्दी से। 46 ठीक है, 46 भी हम लोग कम्प्लीट करेंगे। ट्राई तुम ज्यादा नहीं किया है क्या? 46 किसी का और क्वेश्चन है क्या? किसी का कोई और क्वेश्चन है बता बम बम। और 46, अरे 46 क्या क्वेश्चन में है? इस तरह क्वेश्चन तो हम बता चुके हैं। 15 एगो 5% है, एगो 8% है बाबू, बता चुके हैं। ये वाला एकदम बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले औसत रेट खाली निकाल दो। औसत रेट बराबर क्या सिखाए थे? कि कुल ब्याज 300 टका और गुना कितना? जो क्वेश्चन हम बताते हैं उसको पहले देखना चाहिए। कल हम जो बताए थे क्या हमने उसमें उसको पूरा ध्यान पूर्वक देखा? जब 2% दिए और अनुपात जब पूछे, समझ आना चाहिए कि वो औसत दर वाला से बनेगा। थोड़ा सा माइंड नहीं लगाते हो। 1550 को और कितना, एक साल में तो हमेशा रहता है ये, तो क्या हो जाएगा? ये कटेगा, कितना होगा? 5×10=31, तो कितना होगा? 600/31 क्या जी? अब बस दे दिया, उसके बाद क्या बोला? एगो 5% रेट से दिया है और एगो 8% रेट से दिया, बीचवा में 600/31 ढाई बैठ गया। कोई दिक्कत?
क्या अब सॉल्व करने आता है, जोड़ घटा गुणा भाग आता है जी, तो हो जाएगा 600 अब बटे 31 माइनस 8, तो 600 और माइनस 8 और 8 248 बटे 31 तो कितना हो गया बताएं, कितना हो गया, 10 में आठ गया 2, 10 में आठ गया 2 और यहाँ पे 9 में चल गया 5 और यहाँ पे बच गया 5 में 2 गया 352 बटे ना, ठीक ठाक घटना है। सचिन का काम हम दिए हैं हमेशा ठीक ठाक बोलते हैं, और उसके बाद राहुल बोला था कल 352 बटे 31 इधर कितना हो जाएगा, अरे बोल दीजिए आप लोग बोलते नहीं है, क्या बोले हम 600 बटे 31 और माइनस 5 कितना हो गया, 30 पंचे 445 155 ना जी, अब बटे 31 कितना 445 बटे 31 जोड़ घटा कर लिए 400 अब बटे 31 नीचे वाला पार्ट से कट जाएगा, कटेगा ये वाला चार ना, कितना से कटेगा 5 2 7 3 10 4 4 8 5 कटेगा क्या, ये सब कटा लेना किसी से कटेगा, कितना से कटेगा जी, तीन वर्ष बाद था क्या, ओ माय गॉड इतना खटा हुआ मतलब इतना मेहनत क्यों बर्बाद हो गया, क्योंकि 3 वर्ष बाद बोला था, ध्यान ही लोग दिया नहीं, सब एकदम गजब हो तुम, गजब ठीक है, गजब तुम लोगों निकले हो है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से करना होगा, तो 300 गुना 100 इधर 1550 था ना जी, हर गुना 3 तो ये 3 से कट जाएगा कितना 100 और 1 सुनना कट जाएगा क्या, 5 2 10 और 5 31 हुआ था, ये 200 बटे 31 हुआ, क्या तुम लोग दिया हमारा, पहले बोला 3 हम बोले 1 वर्ष है, तो बोला हाँ हाँ मतलब कोई बोलवे नहीं किया, ये 5 है ये 6 है और ये 200 बटे 31 है, तो ये कितना हो जाएगा, 31 छका कितना होता है 86, तो 14 बटे 31 बचा इसका मतलब, सर वहाँ 8 है 8 था क्या बोलना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 31 बटे कितना होता है 248 बटे 31 और ये 31 बटे 155 कितना 45 बटे 248 गया तो 52 बटे 31 में होगा सर, अरे 248 में 200 गया ठीक है 45 बटे 31 ठीक है नहीं सब, तो 3 से कट जाएगा 3 16 3 15 16 3 15 16 अनुपात 15 इधर करेक्ट क्या कहाँ भारी लगा सर, तो गुना भाग खाली फिर गलती की, ध्यान रखना है तुम लोगों को, ध्यान रखता है मतलब हम ही को बोल रहा ध्यान क्या रखते हैं सर, तो चलिए नेक्स्ट 48 तक आप कोई दिक्कत कोई परेशानी, 49 से लेकर 52 तक में कोई दिक्कत, 52 नंबर में दिक्कत हो गया, चलो अच्छा और किसी को कोई दिक्कत ना हुआ है इधर बाबू भैया लोग को, तो ठीक ठाक बना रहे हैं, मन लग रहा है नहीं मन लग रहा तो ये पढ़ना है अभी जी जान से लगना है, रिजल्ट देना है हमको एकदम तुम लोग को, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर में ऐसा क्या है जो नहीं बना पाए, 52 नंबर में बोल रहा है प्रताप ने अरुण को कोई धनराशि साधारण ब्याज प्रथम 3 वर्ष के लिए, हे महादेव यानी सरकार डालो हमारे हे महादेव, तो कितना जी कोई धनराशि 3 वर्ष, तो पहला धनराशि कितना है जी एक्स 3 वर्ष के लिए कितना दिया 12% कोई दिक्कत, और फिर प्लस फिर अगले क्या बोला अगले 5 वर्ष के लिए, तो एक्स गुने 5 बटे कितना रेट से दिया 16 रेट अब बटे अब प्लस 8 वर्ष के बाद कितना रेट से दिया है 20% लेकिन कितना समय के लिए दिया है 11, तो 8 साल तो हो चुका है 3 वर्ष के लिए ना देगा कितना 3 वर्ष के लिए कितना देगा जी किस रेट से 20% रेट से, कल दूसरे बता चुके हैं जी बराबर कितना टोटल 60-80 अधिक हो गया, हे महादेव कल इस तरह का नहीं कल कल किए थे एकदम सेम तो सॉल्व करने क्या नहीं आता है क्या, 100 उधर ले जाओ तो कुछ कटाओगे क्या, नहीं कटाना क्या ब्याज मूलधन से 60 अधिक हो गया, मूलधन कितना माने है एक्स एक्स प्लस 60-80 यही हो गया, तुम्हें टुकता क्या ना जी मूलधन से बोला था ना जी कल सीधे हम कर दिए थे, तो हमारा कितना हो गया ये बता जल्दी से कितना हो गया 36 36 एक्स
ये कितना हो गया 80x, कोई दिक्कत, ये 60x, अब उधर चल गया तो ये हो गया कितना x, 100x, अब प्लस 60 80, या सुनना टोटल, ठीक, तो टोटल कितना हो गया बाबू भैया, 80 60 कितना, 140 76x हो जाएगा सीधे, बराबर 60 80 या सुनना डबल, x बराबर निकालना है 60 80 डबल सुनना, और बटे 76, 19 से कटेगा, बढ़िया होगा, 19 57, 1976, 19 57 इतना 38, 4 8 32, अरे नुनुमा कहाँ जाएगा, अरे कहाँ जाएगा, इसलिए लोग नहीं पारता है, ये लोग जो है ना मूलधन से नहीं लिया था बेसी, वहां पे डायरेक्ट दे दिया था ब्याज, यहाँ मूलधन से ब्याज बेसी है, मूलधन से इतना बेसी हो गया, ये वाला, ये वाला ठीक है बहुआ, मन लग रहा है, नहीं लग रहा तो क्या करोगे, कुंटल लगा देंगे, चिंता मत करो, एकदम तुम लोग को याद रखना, छड़ी का पर्दा तो अभी तक नहीं कर पाए, राजू तो एकदम सोचती जा रहा है बेचारा, ये भूल के जाता है कि हम भी नहीं मर खाना है, ये भी कभी कभी काम नहीं करता है, तो दिमाग को एकदम शांत रखो, मेहनत करो, जी जान लगा दो एकदम, ठीक है राजू पंडित, इस बार हमको ग्रुप डी में अगर नहीं दिया ना तब तुम लोग का कहीं हमसे बात नहीं करना, तुम्हें बता बता 53 से बताओ जी, 53 से 59 के बीच में कोई लगा, कोई क्या मामा, 53 से 59 सब बना लिया, 60 से लेकर 63 में, अरे तो धमाका तुम लोग कर दिए, इलाका तुम्हारा धमाका नहीं, सॉरी इलाका हमारा, तुम धमाका तुम कर रहे हो, हैं, चलो 64 से स्टार्ट करते हैं आज का विविध प्रश्न, तो विविध पे चल गए, विविध का मतलब होता है सब मिला जुला करके, जो मन सो विविध लेते मतलब खत्म कर दिए हैं, बोलता है यदि एक्स पर ए परसेंट की दर से क्या बनेगा कि नहीं पाला, कुछ नहीं होगा, तो बोलता है जितना, अरे दोनों के लिए क्या है जी, बराबर बराबर है, यही ना बगुआ, क्या बोला है, एक्स एक्स राशि ए परसेंट रेट एम पर वर्ष बटे कितना बराबर, उतना ही क्या बोला वाई की दर से एम स्क्वायर वर्ष ना, और कितना दर ए ए दर, और बटे कितना 100 100 गया मामा का, दर ए स्क्वायर था और ए स्क्वायर था जी, सॉरी ए स्क्वायर, कोई दिक्कत, ए गया मामा घर, एम भी गया मामा घर, एक्स वाई का रेशियो पूछा था क्या, एक्स वाई का रेशियो जो हो गया एम ए खाली हो गया, एम ए अनुपात पर कहां गया ये नुनु, कहां जाएगा है नुनुमा, कहीं जाएगा बच करके, कहां बचेगा ये, थोड़ा सा मिस्टेक बार बार भी बुधवार है ज्यादा ना बोलो, ठीक है आज कुछ भी चाहेंगे तभी गलती होगा, तो ध्यान रखना दिन हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी आज इसलिए आज हम टेंशन नहीं ले रहे, जान रहे हो कि आज मेरा दिन है किसी भी तरह से, ठीक है राजू, जब जन्मदिन हमारा तो बुधवार रहे कोनो दिन रहे तो लेना हुआ टेंशन है, तो 64 खत्म, 65 पे आएंगे कि नहीं, नहीं मानोगे, मानोगे या नहीं मानोगे, मान लेते हैं तो चलो 65 आप लोग भी मान लीजिएगा, और देखिए जितना भी हम वीडियो बनाते हैं सच में बोल रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट से कभी मिलने का मौका मिलेगा, जैसे इतना बच्चा हमारा सिंसियर बच्चा, सबसे डिसिप्लिन बच्चा, सबसे बढ़िया बच्चा, लेकिन कुछ बच्चा हमारा पढ़ता नहीं ढंग से, ठीक है, बाकी सब चीज में डिसिप्लिन है, हर चीज में, पार्टी में, कछू में, ये में, पेड़ लगाने में, हर मामले में ठीक है, लेकिन एक दो बचवा फाकेती मार देता ना, बड़ा खराब लगता है, तो आप भी ऐसा ना करें, रेगुलर वीडियो को देखें, 400 महीना लगता है उसको आप फ्री में पढ़ रहे हैं, जान लीजिए, देखिए सही बात बोल रहे हैं, पता नहीं डामाडोल तो कर रहा है, हाँ देखे कैसे डामाडोल करने लगा है ऐसे ऐसे, इसका मतलब समझ जाइए, तो बहुत मेहनत करके 400 का मेहनत आप फ्री में ले रहे हैं, फिर भी अगर आप नहीं देखते हैं ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि भविष्य में आप ऐसा होगा, आपको सब चीज में आपको ज्वाइन करना होगा, धीरे धीरे लालच हो जाएगा, यूट्यूब क्या कर देगा जी, कि आप जब यूट्यूब तभी देख पाएंगे कोई भी चैनल जब उसमें पैसा खर्च करेंगे, आपको पहले ज्वाइन करना होगा हर हालत में, ए बउआ सब्सक्राइब नहीं, पहले ज्वाइन करना होगा, सब्सक्राइब वाला नहीं देख पाए, ज्वाइन करने वाला देख पाए, तो ऐसा सिस्टम कर देगा कुछ दिन के बाद,
कि आप ज्वाइन करेंगे तभी आप वीडियो देख पाएंगे, समझे कि नहीं समझे। तो आने वाला फ्यूचर में अगर ऐसा हो जाए तो बड़ा दिक्कत है, इसीलिए प्लीज 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 आप कोई भी चीज प्रीमियम आ जाएगा। एक चीज जैसे देखे होंगे ना, प्राइम प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन लीजिए, मतलब सब्सक्रिप्शन लेना होगा अलग से उसका। चाहे आप ये कौन वीडियो अभी आप जो भराते हैं जी, कौन जी बोलते हैं उसको, नहीं जो अभी भराते उसमें कौन देता फिर ये डिज्नी हॉट स्टार, उसका भी पैक लेना पड़ता है 200, उसका भी कुछ रहता है, मतलब सबका प्रीमियम या प्रीमियम रहता है और गोल्ड रहता है, ये सब रहता है। पैक आने लगेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जब तक फिर ये जल्दी जल्दी उठा लीजिए मौका। बस मजाक लग, बहुत लोगों को मेरा बात ना मजाक लगता है, लेकिन एक दिन जब हो जाएगा ना सीरियसली लगने लगेगा। तो चलिए 65 नंबर को हम लोग सीरियसली लेते हैं। एक व्यक्ति तीन भिन्न भिन्न स्कीम में लगा था, तीन गो स्कीम निकला है, कोनो स्कीम में लगाया है कि ना पैसा तुम लोग लगाया करो, तुम लोग गजब हो, लेकिन स्कीम में पैसा लगाओ, फंसाओ, फंस जाए तो दिक्कत, निकल जाए तो बहुत बढ़िया। समझ गए ना, जैसे म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट में बहुत लगाता है ना, गया तो गया। हॉट अति ये अभी कौन आईपीएल आने वाला है ना, क्या तारीख, 19 तारीख, तो 19 तारीख से आईपीएल होगा, उसमें भी अभी ड्रीम इलेवन खेलेगा, सब खेलता है ना जी, लगाओ, जुआ है जस्ट, लगाओ, लेकिन वो जुआ ना खेलना, प्लस वाला लालची। चलो आगे बढ़ते हैं, स्कीम हम स्कीम निकाले हैं, 6 वर्ष है, पहला क्या बोला जी, 6 वर्ष, फिर 10 वर्ष, फिर 12 वर्ष, किस रेट से लगाया जी, 12%। हाँ, सबका बराबर बराबर राशि मिलती है, तो पहला क्या है जी, एक्स गुना, एक्स गुना, अरे बउआ बोल दो ना, नहीं बोलेगा, एक्स गुना 6 गुना 10 बराबर वाई गुना 10 गुना 12 बराबर, सब में 100 जा रहा है तो 100 कट ही जाएगा, जेड गुना 12 गुना 15 बटे कहाँ जाएगा नूनू, ठीक है, सब बराबर बराबर राशि मिल गया। अब हमको एक्स और वाई और जेड का रेशियो चाहिए, तो पहले कटाओ ना, जो कटेगा कहाँ जाएगा नूनू, 6 से कटा दे, अरे 6 से कटा देते हैं, और 5 से भी कटा दे, 5 गुना 10 5 गुना 10 और 5 3 15 तो हो गया हमारा 2x बराबर 4y बराबर, और 2 से कटेगा क्या, 2 से कटाइए देते हैं ना, तो x उस तरह नहीं निकलता, बउआ x बराबर 2y बराबर 3z, इसीलिए x अनुपात y अनुपात z, 2 3 का 1 का एलसीएम कितना 6, तो 6 हो जाएगा ना पहले, तो मैं एक तो तीन बोल रहा था, पहले बोले थे कहां जाएगा अरे वास्तु बट्टा भी अभी क्वेश्चन है जी, वास्तु बट्टा वाला तो बताएंगे नहीं, वास्तु बट्टा वाला देखना पड़ेगा, तो वास्तु बट्टा का भी प्रश्न है, हम तो देख के नहीं आए, देख के आते तो पता चल जाता। तो एक दो क्वेश्चन लगता है कल सीआई में ना, उसके पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, देखना पड़ेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 6-7 नंबर बना पाओगे, बनाओ जल्दी, तो आगे बढ़ते हैं, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। 66 नंबर लोग बना दिया शायद ना जी, क्या बोला जी, क्या टिकट बनाना है, 12,000 क्या ऐसा चलता है, 12,000 को कितना भाग में बांटना, एक बार एक्स, तो एक बार 12,000 एक माइनस, ठीक इसी तरह किया देखा, तब आप लोग का ठीक चलेगा। आप आगे की बोल रहा है बाबू भैया लोग को, क्या बोल रहा है, अच्छा अच्छा, पहले भाग का 3 वर्षों का 12% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज, हाँ, दूसरे भाग के 4.5 वर्ष के लिए, दूसरे भाग के 4.5 वर्ष के लिए, तो 9/2 कर देते, हाँ, 16% हो गया, बराबर है दोनों, क्या बोल, बराबर ही है,
बराबर है, मजा आ गया, बराबर है, बराबर है, तब की जाएगा ना, कहाँ जाएगा, बोला पहले भाग दूसरे भाग का और ना पालो, क्या है ये, बराबर है तो कट कुट करो, तीन से ये तीन कहाँ जाएगा नुनू बच करके, दो से ये आठ कहाँ जाएगा, चार दो ना आठ कहाँ जाएगा, चार तीन बारह कहाँ जाएगा, थ्री एक्स और तीन भी कट ही गया, अरे नुनू कहाँ जाएगा तू, तो एक्स बराबर चौबीस हजार और माइनस टू एक्स कहाँ जाएगा, एक्स बराबर आठ हजार, एक्स बराबर आठ हजार, देखो चार हजार का वाट, तो बोल रहा था पहले भाग की दूसरे भाग, पहले भाग में कितना आ गया एक्स का मान आठ हजार, दूसरे भाग में कितना आ गया चार हजार, कहाँ जाएगा नुनू, दो अनुपात एक आंसर है, एक अनुपात दो नहीं, दो अनुपात एक, मजा आया कि नहीं, कैसे रे बना, बोलता नहीं बना, सीधो त्रिमूर्ति ला कैसे, अरे रे रे क्या बोल दिए हम, क्या बोल दिए, क्या बोल दिए हम, कुछ गलत बोल दिए, अच्छा चलिए, तो आगे सब बना लेंगे, आगे बना लेंगे कि नहीं सब, एको क्वेश्चन में छूटने लायक नहीं दिख रहा हमको, तो सब खाली बनाना है लंबा चौड़ा, लंबा नहीं छोड़कर नहीं, वो इकहत्तर भी बना देते हैं, सड़सठ नंबर, तो सड़सठ नंबर में बनाते हैं, सड़सठ बना देंगे, और की करोगे तुम लोग, बन गया ना, हम बना देंगे, दूसरे का तुम्हारा प्रॉब्लम, तुम दूसरे को भी तो की हो सकता है ना, बना देते हैं, लाओ लाइन दो, कितना कितना कठिनाई से पढ़ा, रोज बोलते हैं ना, और कमेंट आर्ट फालतू ना करें, तो ऐसा मतलब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा सड़सठ नंबर, बोल रहा है कि कैसे है, तो सड़सठ नंबर में क्या बोल दिया, ऐसा एक पार्थ एक निवेश पर 15% लाभ निवेश अर्जित करता है, एक पार्थ एक निवेश पर 15% का लाभ अर्जित करता है, जबकि अन्य निवेश पर उसे 10% की हानि होती है, यदि उसके दो निवेश 3:5 के अनुपात में है तो उसका कुल मिलाकर हानि का प्रतिशत कितना होगा, अरे बउआ एगो तीन में है और एगो अनुपात पांच में, बाबू भैया ध्यान देंगे, एगो तीन है और एगो कोई दिक्कत कोई परेशानी, पहला पे अगर हम इसको 300-500 कर दे क्या, अरे 3,000-5,000 लिख सकते हैं ना, अनुपात में तो फिर 3-5 ही हो जाएगा, अब क्या बोला बाबू भैया कि एक निवेश पर 15% लाभ का, जबकि अन्य निवेश पर पहला पर कितना परसेंट का लाभ, 15% इस पर 3,000 और इस पर 15% का लाभ ना जी, 20,000 हो गया, सॉरी 3,000 का 15% कितना होता है, अरे 300 ले लो मजा आ जाएगा, क्या 300 तो कितना हो जाएगा जल्दी, 45 का ही लाभ हो गया, दूसरा में कितना हो गया जल्दी से, लाभ होगा 115 होगा, अरे 15% लाभ हो गया, और दूसरा पर क्या हो गया 10% हानि हो गया, 500 का 10% कितना होता है, ये सुना मतलब सुना कट गया, कट गया 50%, तो आपको क्या लग रहा है ओवरऑल क्या हो गया, 5% हानि हो गया, लेकिन कितना टका पर टोटल, 800 पर हानि हुआ, गुना कितना परसेंट हुआ है, 5,000, यही तो आंसर है, 5,800 है, बोले कि इस तरह कैसे आ गया जी, तीनों पांच बनता, लेकिन उतना किए पॉइंट पॉइंट में देता है, इसलिए क्या सूरत बाबा कोई दिक्कत कहाँ जाएगा नुनू बचकर, कोई जा सकता है, और जो जो टफ लगे क्वेश्चन ना, उस क्वेश्चन को हम कम से कम 2-3 बार बना लो, ठीक है, 2-3 बार बना लो, ताकि वो क्लियर ही रहे हमेशा, हमारे जैसा बिल्कुल नहीं करना, मैं ही बोलता हूँ, हमारे जैसा बिल्कुल नहीं करना, एकदम दिमाग लगा करके लगातार कंटिन्यू काम करते, एक दिन से एक, आज नहीं तो कल होंगे जरूर सफल, याद रखना, आज नहीं तो कल होंगे जरूर सफल, अभी तो एज क्या हुआ है, अभी तो हमारा खेलने कूदने का दिन था, तुम लोग कहा हमको तुम लोग क्या देखने लगता है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, 67 भी कंप्लीट हो गया, 68 पे अभी बोल रहा है, 68 ने बना क्या, क्या सुरेश बाबा, 68 क्या राहुल, अच्छा लो तब 68 नंबर भी हम लोग बना ही लेते हैं, तब सचिन बम बना दीजिए, तो चलो 68 हम लोग बनाते हैं, x प्रतिशत की दर से, बाबू x प्रतिशत की दर से
बराबर बराबर देखो 4000 तक का कहते जी कितना परसेंट एक्स परसेंट 3 वर्ष का साधारण ब्याज चार हजार अरे हम किताब हमारे बगल में है तो हम की बोले तो बराबर क्या है जी बराबर जो है वो बोलता है 12% की दर से 5000 5000 का ये कौन से लिखे है एक्स का लिखे है 5000 का 12% गुना कितना साल 2 साल बराबर है जी कहाँ जाएगा ननुआ कहाँ जाएगा ए कहाँ जाएगा 3 वसुन्ना कहाँ जाएगा 3 चौका 12 कहाँ जाएगा न जी एक्स बराबर 10% कहाँ जाएगा बताओ बताओ एक्स का मान पूछ रहा था लो किससे ने बनना था आपको नहीं बोलेगा किससे ने बनता ये वाला तो बाबू भैया उम्मीद करें आप सब बना देंगे कि परिवहन है बोलेगा परिवहन पर बना दीजिए ना तो आप लोग क्या करेंगे आप लोग सारे क्वेश्चन को बनाएंगे तो कल हम लोग एक्स्ट्रा क्लास जब लेंगे ना जिस दिन उसमें इसको सारा खत्म कर देंगे तो उम्मीद है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा रोज वीडियो देखिए रोज इंजॉयमेंट कीजिए कम मिनट में ज्यादा फायदा मिनटों का काम हम सेकेंडों में करते हैं और बेहतर को हम बेहतरीन बनाते हैं तो जुड़िए विक्रम ट्यूटोरियल से और अपने आप को सिक्योर कीजिए अपने जॉब के आगे सिक्योर कर लीजिए जॉब कोई बड़ी चीज नहीं आप बड़ी चीजें हैं अगर हमारे जैसा गलती ना करेंगे तो जीवन में आप जो भी मुकाम पाना चाहेंगे तुरंत मुकाम पा लेंगे लेकिन हमारे जैसा गलती आप बोलिए अब मैंने गलती क्या किया तो हमारा बुक जब लॉन्च होगा उसमें सुन देख लीजिएगा अभी नहीं थैंक यू वेरी मच